अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम करते हैं अपना पॉइंट नंबर 5। पहले सबक के हमने 4 तो हल कर लिए हैं ना, अभी 5वां करते हैं। पढ़िए, समझिए और लिखिए। ये जो उन्होंने दे रखे हैं ना, इनको पढ़ना है, समझना है, फिर इनको लिखना है। क्या है? अलिफ बा, यानी अलिफ में दे रखा है इन्होंने सुख, बा में दे रखा है दुख। जैसे हिंदी में करते हैं ना, दिन रात, ऊपर नीचे, आगे पीछे, विलोम शब्द होते हैं, इसी तरीके से ये हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं मुतजाद, जिद मुतजाद, है ना। जैसे उन्हें बोलते हैं विलोम शब्द, ऐसे इन्हें बोलते हैं जिद मुतजाद, है ना। सुख दुख, दिन रात, है ना, उल्टे शब्द हो गए, है ना। अच्छा, अच्छे का उल्टा क्या हो गया? बुरा। सुख दुख, दिन का रात, अच्छे का बुरा, अच्छा बुरा। अभी नीचे हमें इसके बारे में समझा रहे हैं। अलिफ के तहत लिखे गए अल्फाज, अलिफ के ज़िम्न में यानी ज़िद में लिखे गए अल्फाज बा में लिखे हुए अल्फाज की ज़िद हैं, यानी ये ज़िद है इसकी, बा में लिखे हुए अल्फाज की ज़िद हैं। जैसे काला की ज़िद सफ़ेद, सुबह की ज़िद शाम, है ना। तो कह रहे हैं ये अल्फाज जो हैं इनकी बा की ज़िद हैं। दे सुख का वो, दुख का सुख, ऐसे कह रहे हैं ये जो अलिफ में लिखे हुए अल्फाज हैं बा में लिखे हुए अल्फाज की ज़िद हैं। जैसे काला की ज़िद सफ़ेद, सुबह की ज़िद शाम, इसी तरह इन लफ्ज़ों के मुतजाद बॉक्स में लिखिए। जैसे ये नीचे दे रखे हैं ना लफ्ज़, ये ज़िद हैं, इनके मुतजाद हमें इन में से तलाश करके लिखने हैं, ठीक है। ये क्या है? तैरना। तैरना के क्या होंगे मुतजाद? क्या होगा? होगा डुबोना, डूबना, है ना। तैरना, डूबना। दूर, दूर का क्या होगा? पास, है ना, दूर पास। थल, तो थल का क्या होगा? जल, खुश्की, पानी, है ना। ऐसे जागना, सोना। परजा, परजा का क्या होगा? राजा, यहाँ पाएगा। ये मुतजाद ज़िद मुतजाद अल्फाज हैं। उजाला, अंधेरा, ठीक है। उजाले का उल्टा क्या होगा? अंधेरा। चलो पॉइंट नंबर 6 अपना पढ़ते हैं। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया? नहीं आया हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इसको दोबारा से अच्छी तरीके से समझा दूंगी आपको, ठीक है। ये है, इन लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। ये जो इन्होंने एक एक दे रखा है ना, मालिक, नाव, बसेरा, घर, फूल, रखवाला, ये एक एक लफ्ज़ दे रखा है इन्होंने। इसके हमें पूरे पूरे सेंटेंस यानी पूरी पूरी बात बनानी है। मालिक, तो इसका हम मिस यानी पूरे जुमले में किस तरीके से यूज़ करेंगे? ए सारी दुनिया के मालिक, जैसे उन्होंने बता रखा था, तो हम क्या लिख देंगे? अल्लाह सबका मालिक है, कुछ भी बना देंगे, पूरा एक सेंटेंस बनाना है। नाव, हम चिड़ियाघर गए तो हम नाव में बैठे थे, है ना, इस तरीके से। बसेरा, चिड़ियाँ पेड़ों पर बसेरा करती हैं, है ना। कुछ भी पूरा सेंटेंस बनाना है इनका, क्या है? इन लफ्ज़ों से जुमले बनाए यानी पूरी बात बनानी है। घर, हमारा घर बहुत खूबसूरत है। फूल, हमने बाग में खूबसूरत खूबसूरत फूल देखे। रखवाला, अल्लाह ताला तमाम जहां का रखवाला है। चलो पॉइंट नंबर 7 पर आ जाते हैं। ये कह रहे हैं इशारे के मुताबिक, यानी इशारे के मुताबिक बाकी मिसरों को सही तरतीब से मिलाइए। इशारे के मुताबिक क्या कह रहे हैं? ये एक जो इन्होंने ये इशारा दे रखा है ना, इसी तरीके से बाकी के मिसरों को भी क्या करना है? तरतीब से मिलाना है। कैसे मिलाएंगे तरतीब से? इन्होंने क्या दे रखा है? नाव जगत के खेलने वाले, तो इस दूसरा मिसरा क्या था इसका? दुख में सहारा देने वाले। अब हम बा पढ़ते हैं। हर दिल में है तेरा बसेरा, इसको कहाँ से मिलाएंगे हम? तू पास है, तू पास और घर दूर है तेरा, यही था ना कहाँ इस सबक में? क्या है? जिम, हिलते हैं पत्ते तेरे हिलाए, तो हम इसको किससे मिला देंगे? खिलती हैं कलियां तेरे खिलाए, है ना, खिलती हैं कलियां तेरे खिलाए। क्या है? दाल, बे आसों की आस तुही है। क्या है?
जागते सोते पास तू ही है। ये था ना नज़म में, दुआ में हमारी सबक में, तो ये इससे मिला दो। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना? नहीं आया होगा तो आप बता दीजिएगा, मैं दोबारा से समझा दूँगी आपको, है ना? इंशाल्लाह। तब तक के लिए हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।